चले बाकू। ये देखिए आप देख सकते हैं सामने वो डीजी यात्रा के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम लोग पूछे कि कब से ये स्टार्ट हो पाएगी, बट इट्स रियली एक्साइटिंग कि इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी आ रही है। ये डीजी यात्रा स्टार्ट होने वाला है यहाँ, तो ये चेक इन आई मीन एंटरिंग द एयरपोर्ट वुड बी मच फास्टर नाउ, बट अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। शेट यार, वीकेंड प्लान्स रूम हो गए। व्हाट इज दिस? We all are not to want a coconut. तो अब हमने अपनी इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक पूरी कर चुकी है एंड आज लग रहा है कि बॉम्बे में सब लोग घूमने जा रहे हैं। थोड़ी से अरे साहब, सब लोग ने उनके माँ, उनके ग्रैंडफादर, उनके परदादा भी आ गए होंगे। 102 ईयर मतलब इतना टाइम एयरपोर्ट में घुसने में आज तक नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। कैसे दिए? हम आ चुके हैं। अब बोलिए ना, बोलिए ना, चलिए। कैट द बर्गर इज नाइस। फ्लिकिंग बर्गर? फ्लिकिंग नो, इट्स फ्लिपिंग बर्गर। बट द बर्गर इज अमेजिंग, टोटली वर्थ इट। ध्रुव आहा हा, no some shit is better not shot. हम देख सकते हैं हमारी प्लेन आ चुकी है। ये बाकू से आई है एंड ये इंडियन टाइम पे 1:50 पे लैंड हो चुकी है। इट इज़ ऑन टाइम एंड अब हम वेट कर रहे हैं कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी एंड फिर हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि फ्लाइट अंदर से कैसी दिखती है। थैंक यू। चलिए भाई, बोर्डिंग स्टार्ट हो रहे हैं। You never really expected this little guy to go on our trip, did you? No, I didn't know I was going to pay for him also. You paid for him already. तो हम ने किसी तरह इसको भी अपने संग एडजस्ट कर लिया लगेज में। Isn't this amazing for a 16-year-old to be still having a thing for Lego? देखे मैं कितना छोड़ दिया, देखो। खाना बहुत बेकार था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनका टेस्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम नहीं खाने वाले हैं। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग फूड लेके, एंड एक आइटम भी ऐसा नहीं था जिसको खाया जा सके। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना मील कैंसिल कर रहे हैं, हमें नहीं खाना है। थैंक गॉड हमने एक भारी डिनर ऑलमोस्ट कर लिया था, लेट नाइट डिनर किया था, जिसकी वजह से अभी पसंद नहीं आ रहा है। थैंक गॉड आई डोंट नो, उन्होंने कुछ एक
पेस्ट्री, आई डोंट क्या था, ना वो केक है ना वो पेटिस है, पर उसकी टेस्ट वाज नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल भी एपेटाइजिंग नहीं था. एंड ऑमलेट वाज ओके, आई डोंट नो, फ्रूट्स फ्रेश नहीं लग रहे थे मुझे, मोर कैन फ्रूट्स लग रहे थे, तो द फूड इज नॉट गुड एट अजरबैजान. सुबह के मेरे हिसाब से 6:30 बज रहे हैं और हम लैंड हो चुके हैं बाकू में. यहाँ 6 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंडी है. हमारा इमिग्रेशन काफ़ी जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो इमिग्रेशन के काउंटर्स बिजनेस क्लास के लिए रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई नहीं था तो उन्होंने बाकी लोग को भी आने दिया, जो कि आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे नहीं देखते हैं यूजुअली. कितनी भी भीड़ हो जाती है, लोग फिर भी लाइन में लगे हुए हैं, एंड बिजनेस क्लास के काउंटर्स पे नहीं एंटरटेन किया जाता है. यहाँ पे करीबन 12 काउंटर्स इन टोटल मतलब थे फॉर फॉरेन विजिटर्स, एंड इट वॉज वेरी फास्ट वेरी स्मूथ. अभी हमने अपना लगेज ले लिया है, लगेज लेके हम जस्ट वेट कर रहे हैं हमारे टैक्सी ड्राइवर की कॉल के लिए, ताकि हम यहाँ से गबाला के लिए निकल सकें. ये हम लोग लेने के लिए रुके हैं यहाँ पे हमारा सिम कार्ड, एक सिम कार्ड हम एयरपोर्ट से ले रहे हैं और बाकी दो हम लेंगे फ्रॉम बाकू सिटी. आज हम गबाला की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हम तूफान दास माउंटेन रिसोर्ट पे रुकेंगे और रास्ते में कुछ साइट सीन करते हुए जाएंगे. आई एम सुपर एक्साइटेड बाहर जाके देखने के लिए कैसा सिटी दिखता है. बहुत ठंडी. ये जुमा मॉस्क है, हम लोग अभी शमाकी से पहले रुके हैं, हमें ये मॉस्क दिख गया तो हम रुक गए थे. एंड आप क्लाइमेट देख सकते हैं, अभी हम गबाला पहुंचे नहीं हैं, अराउंड 5 डिग्री है, ये क्लाइमेट 5 डिग्री की है. आई डोंट नो हमारा गबाला में क्या होगा स्की रिसोर्ट के आसपास, बट चलिए अपडेट करते हैं. ठंडी लग रही है मेरी हालत देखिए, मेरा ये हुडी को मैं टाइट नहीं कर पा रही. हम आ चुके हैं शमाखी के जुमा मॉस्क में, आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा मॉस्क है ये. इसको इसे आर्मेनियन नेशनलिस्ट ने एक बार यहाँ पे आग लगा दी थी, जिसके कारण ये पूरा जल के ख़त्म हो गया था, एंड इसको वापस से रीबिल्ड किया गया है 2015 में. काफ़ी प्यारी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय यहाँ पे. अच्छा लग, आप कांप रही है? काम तो मैं रही हूँ पर मुझे अच्छा भी लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन काम पर रही है मैं रही हूँ मैं, लेकिन मैं भी अच्छा लग रहा है. सलाम. बीड़ी के फैक्ट्री में काम करने वाले दो मजदूर. ए हेलो, एटलीस्ट सिगार, एटलीस्ट सिगार, सिगार्स नहीं, हम लोग बीड़ी वाले ही है. बीड़ी बांटते बांटते दो बीड़ी जो है, हम लोग बीड़ी लायक ही है, दो सिगार दो बीड़ी चुरा लिए हैं और उसके बाद खुद भीग रहे हैं. मालिक देखेगा तब मालूम चलेगा कि मालिक को मैं बताइएगा. नो रिकॉर्डिंग, नो रिकॉर्डिंग, नो रिकॉर्डिंग मालिक.
choose female characters in video games. They have better bloody accessories. हमारा मेरा तो मुझे लग रहा है वॉचमैन लग रहा हूँ, इससे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. बेटा उसका भी higher quality था. ध्रुव यहाँ से वहाँ तक देखो उसका विनियर्ड का वो. परमिंदर मैं उस पत्थर पे बैठ रही हूँ. मैं